फाइनली ये फोन डिलीवर हो चुका है, तो इस फोन के बारे में हम बात करेंगे और क्विकली अनबॉक्सिंग करेंगे, क्या क्या चीज इसके अंदर देखने को मिलता है और किस प्राइस रेंज में मिला है और क्या आपको ये फोन खरीदना वर्थ इट रहेगा या फिर नहीं रहेगा, तो सारी चीज हम बात करने वाले हैं। सो विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, तो पहले ही हम शूट कर चुके हैं। इसके अंदर आपको ट्रांसपेरेंट कवर मिल जाता है और साथ में यूजर मैनुअल कार्ड मिलता है और यहाँ पर मिल जाता है सिम इजेक्टर टूल और साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं फोन है, इसको रखते हैं साइड में और टाइप ए टू टाइप सी केबल और उसके बाद मिलता है 18 वाट का चार्जर। सो फोन आपको 67 वाट का चार्जर सपोर्ट करता है, ये आप ध्यान में रखें। सो यहाँ पर अब बात करते हैं हम फोन के बारे में। ये फोन एक 5G है, तो इसके अंदर 9 बैंड मिलता है 5G का। तो अगर स्पीड की बात करें तो इसके अंदर आपको 50 से 60 तक MBPS आपको जाता है डाउनलोडिंग, और अगर हम बात करें अपलोडिंग स्पीड की तो 15 से 20 MBPS आपको यहां पर स्पीड देखने को मिल जाता है। सो अगर हम बात करें इसकी वेट की तो इसका वेट आपको 189 ग्राम का देखने को मिलता है और साथ में इसका जो फ्रेम है वो प्लास्टिक देखने को मिलता है और बैक साइड में आपको लेदर देखने को मिलता है जो कि आप आसानी से देख पा रहे होंगे और साथ में इसके देख सकते हैं बीच सेंटर में जो डिजाइन दिया गया है एक चेन की तरफ वो बहुत ही खूबसूरत बनाता है। अब बढ़ते हैं हम डिस्प्ले की ओर, तो इसके अंदर डिस्प्ले आपको 6.7 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले, साथ में ये एक कर्व डिस्प्ले है जो कि यहाँ पर 10 बिलियन कलर का यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलता है और 950 निट्स का पिक ब्राइटनेस मिलता है। तो यहाँ पर ब्राइटनेस थोड़ा सा कम आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ अगर आप आउटडोर में जाते हैं तो वहां पर कोई भी दिक्कत नहीं होगा, स्क्रीन आप अच्छे तरीके से देख पाएंगे। और अगर हम बात करें इसके रेजोल्यूशन की, HDR 10 प्लस का सपोर्ट मिलता है और अगर आप YouTube पर वीडियो देखते हैं तो वहां पर 4K पर वीडियो चला सकते हैं 60 FPS के साथ HDR क्वालिटी में। साथ में इसके अंदर आपको डिस्प्ले इन फिंगरप्रिंट मिलता है, तो अगर इसके हम देखें फिंगरप्रिंट फास्ट किस तरीके से है तो यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं लेता है, लेकिन हाँ थोड़ी सी आपको लो लेटेंसी लगेगा, लेकिन आप देखें तो ये बहुत ही फास्ट खुलता है। सो आपको उतना ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी, सो यहाँ पर अच्छे तरीके से काम करता है। इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो इसके अंदर डायमंड सीडी का 7050 आपको यहाँ पर देखने को मिलता है प्रोसेसर, जो कि 6 NM पर यहाँ पर बेस्ड है। तो ये प्रोसेसर एक अच्छा है, अगर आप थोड़ी बहुत गेमिंग भी करना चाहते हैं तो इजीली आप कर सकते हैं। और साथ में इसके अंदर आपको एंड्रॉइड 13 का सपोर्ट मिलता है और यहाँ पर रियलमी 4.0 का सपोर्ट मिलता है, तो यूजर इंटरफेस आपको ठीक मिलने वाला है। लेकिन हाँ इसके अंदर एक करना चाहूंगा कि ब्लेटवेयर आपको बहुत ही ज्यादा मिलता है, तो अगर आप उसे चाहे तो आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर देख सकते हैं जोश है, जोश को भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, स्नैपचैट है, ये सब फालतू के एप्लीकेशन बहुत ही इंस्टॉल मिलता है, तो इजीली आप इसे डिलीट कर सकते हैं। इंटरनेट मिलता है इसका जो रियलमी का ब्राउजर है उसे आप नोटिफिकेशन वगैरह जितना भी इंटरनेट एक्सेस होता है सारी चीज को आपको ऑफ कर देना है। साथ में इसकी स्क्रीन जो है वो 120Hz फास्ट रिफ्रेश पर काम करता है, तो यहाँ पर आपको रिफ्रेश रेट में कोई भी कमी नहीं होने वाली है। और ये आपको यहाँ पर 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, 256GB वाला भी है लेकिन यहाँ पर 128GB वाला मेरे पास है। सो अगर हम कैमरा क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको 100MP का प्राइमरी सेंसर मिलता है और जो सेकेंडरी कैमरा है वो आपको 2MP का डेप्थ सेंसर है। तो अगर आप अल्ट्रा वाइड या फिर माइक्रो कैमरा को लेना पसंद करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा यहाँ पर कमी हो सकती है, आपके लिए फोन नहीं है। अगर आप अल्ट्रा वाइड माइक्रो कैमरा से ज्यादा लगाव नहीं रखते हैं, आपको प्राइमरी कैमरा ही यूज करना होता है, तो आप इसके तरफ जा सकते हैं। सो अगर हम फोटो की बात करें तो यहाँ पर जो इसके अंदर फोटो निकल के आता है वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी निकल के आता है, लेकिन यहाँ इस पर हम कहना चाहेंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा आपको सैचुरेटेड फोटो देखने को मिलता है, थोड़ा सा बूस्टी कलर मिलता है। तो अगर आप फोटो क्लिक करके डायरेक्ट सोशल मीडिया पर अपलोड करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट फोन है, यहाँ पर आपको एडिट ही करके देता है। अगर आप नेचुरल फोटो लेना पसंद करते हैं तो इसके अंदर आपको नेचुरल फोटो देखने को नहीं मिलता है। और वही पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो इसके अंदर एक चीज अच्छी लगी कि आपको यहाँ पर एज डिटेक्टर बहुत ही अच्छा है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि आप चश्मा वगैरह पहन करके अगर आप पोर्ट्रेट फोटो लेते हैं तो चश्मा का फ्रेम जो है वो स्किप कर देता है और उसको भी ब्लर कर देता है, तो ये चीज इसके अंदर देखने को नहीं मिला, अच्छे से यहाँ पर एज डिटेक्ट करता है और ब्लर ठीक ठाक करता है, तो पोर्ट्रेट यहाँ पर ठीक ठाक देखने को मिलेगा। सो इसकी बात करें वीडियो रेजोल्यूशन की, प्राइमरी कैमरे की, तो यहाँ तक 4K 30 FPS के साथ मिलता है। एक चीज बेनिफिट मिलता है कि अगर आप 4K में वीडियो शूट करते हैं तो आपको वाइड एंगल ज्यादा मिलता है, और अगर आप 1080p में करते हैं तो थोड़ा सा आपको जूम होकर के जो फ्रेम होता है वो यहाँ पर आपको मिलता है। सो ये वीडियो शूट हो रही है 1080p 30 FPS के साथ, सो आप अंदाजा लगा सकते हैं एक आपको बेनिफिट मिलेगा कि अगर आप 4K में अगर आप वीडियो शूट करते हैं तो आपको वाइड ज़्यादा मिलता है और अगर आप 1080p में करते हैं तो वाइड ज़्यादा नहीं मिलता है।
इस चीज का फर्क है बस और कुछ नहीं है। और 4K में थोड़ा सा डिटेल आपको ज्यादा देखने। बात करते हैं फ्रंट कैमरे की, तो आपको यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। तो अगर सेल्फी कैमरे की बात करें तो यहाँ पर अच्छे तरीके से सेल्फी भी दे देता है। हाँ, थोड़ा सा इसके अंदर भी आपको एडिट फोटो देखने को मिलता है, जो कि इसका सॉफ्टवेयर जो है वो खुद ही एडिट करके दे देता है। तो ये आपको अच्छा है, अगर आप डायरेक्ट अपलोड करना चाहते हैं वो भी अच्छा है। और यहाँ पर कैमरा मोड बहुत ही ज्यादा दिया हुआ है, तो हम कैमरा टेस्ट में बात करेंगे कि आप किस फंक्शन के साथ आप किस चीज को यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको कैमरा टेस्टिंग इस फोन का देखना है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वो वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है। के फ्रंट कैमरे से वीडियो शूट हो रही है तो इसकी क्वालिटी देख सकते हैं, स्टेबिलाईजेशन भी देख सकते हैं और साउंड रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं कि साउंड किस तरीके से रिकॉर्ड करता है। सो ये देख सकते हैं, ये सन के साइड है और अगर हम ये अपोजिट करते हैं तो ये देख सकते हैं सन के जस्ट अपोजिट है, तो आप इससे क्वालिटी का अंदाजा बिल्कुल लगा सकते हैं। यहाँ पर एक चीज है कि आप प्राइमरी कैमरा से मिलते हैं तो OIS मिलता है, और अगर आप फ्रंट कैमरे से लेते हैं तो इसके अंदर EIS का भी सपोर्ट नहीं मिलता है। तो थोड़ी सी यहाँ पर अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो प्राइमरी कैमरे से करें, क्योंकि वहां पर आपको OIS का सपोर्ट मिलता है। इसके अंदर आपको स्टूडियो स्पीकर मिलता है, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पर जो लाउडनेस है वो ज्यादा आपको लाउडनेस नहीं मिलता है, लेकिन हाँ नॉर्मली आपको साउंड बहुत ही अच्छा है, और बेस वगैरह जो ट्रेबल वगैरह है वो बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करके यहाँ पर निकलता है। तो ओवरऑल आपको साउंड बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। हाँ, थोड़ी सी आपको लाउडनेस में कमी है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 3.5 mm का जैक नहीं मिलता है, तो आपको यहाँ पर अगर हेडफोन वगैरह यूज करना है तो यही टाइप सी में करना होगा। अगर आपको नहीं है तो एक आप कनेक्टर छोटा सा लेकर के आप यूज कर सकते हैं। ये जो फोन लॉन्च हुआ है वो 23999 के साथ लॉन्च हुआ है, और ये अभी BBD सेल में आपको देखने को मिलेगा 20999 के साथ। तो अगर आप ICICI का क्रेडिट कार्ड लगाते हैं तो वहां पर आपको 1500 का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। उस डिस्काउंट के साथ आप इसे इजिली 19500 को खरीद सकते हैं। सो ओवरऑल ये फोन आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगी तो जरूर से कर दीजिएगा लाइक, एंड चैनल पर नए होंगे तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।